नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi versus Apple iPad 10.2 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो Tab S7 FE Wi-Fi में 11.21 इंच जबकि iPad 10.2 में 9.87 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Tab S7 FE Wi-Fi से कम है। विड्थ की बात करें तो Tab S7 FE Wi-Fi में 7.28 इंच जबकि iPad 10.2 में 6.85 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Tab S7 FE Wi-Fi से कम है। बात करें थिकनेस की तो Tab S7 FE Wi-Fi में 0.25 इंच जबकि iPad 10.2 में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Tab S7 FE Wi-Fi से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Tab S7 FE Wi-Fi में 610 ग्राम्स जबकि iPad 10.2 में 487 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Tab S7 FE Wi-Fi में TFT जबकि iPad 10.2 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Tab S7 FE Wi-Fi में 12.4 इंचेस जबकि iPad 10.2 में 10.2 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Tab S7 FE Wi-Fi में 1600x2560 और iPad 10.2 में 1620x2160 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Tab S7 FE Wi-Fi में 84.91% जबकि iPad 10.2 में 73.85% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Tab S7 FE Wi-Fi में 243 पिक्सेल प्रति इंच जबकि iPad 10.2 में 265 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की, जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Tab S7 FE Wi-Fi में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। और iPad 10.2 की बात करें तो इसमें भी हमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Tab S7 FE Wi-Fi में 3 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iPad 10.2 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Tab S7 FE Wi-Fi में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और iPad 10.2 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Tab S7 FE Wi-Fi में Adreno 642L जबकि iPad 10.2 में Apple GPU 4-Core Graphics मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Tab S7 FE Wi-Fi में Qualcomm Snapdragon 778G और iPad 10.2 में Apple Bionic मिलता है। बात करें RAM की तो Tab S7 FE Wi-Fi में 4GB की RAM मिलती है जबकि iPad 10.2 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Tab S7 FE Wi-Fi में 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि iPad 10.2 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Tab S7 FE Wi-Fi में अप टू 1TB जबकि iPad 10.2 में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Tab S7 FE Wi-Fi में Android V11 जबकि iPad 10.2 में iPadOS V15 देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Tab S7 FE Wi-Fi में 4 कलर्स जबकि iPad 10.2 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Tab S7 FE Wi-Fi में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 36,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें iPad 10.2 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 30,900 रुपीस, 3 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 44,900 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi में 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Apple iPad 10.2 की तो उसमें 1 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें एप्पल iPad 10.2 2021 वाईफाई है, दूसरा Samsung Galaxy Tab S7 Lite LTE है, तीसरा Samsung Galaxy Tab S7 Plus है, और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Tab S7 Plus LTE है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।